स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। f ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स सारी प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, एफ एक्स हमें दिया हुआ है ln x जब x जीरो से वन होगा, ln x जब x जीरो से वन होगा और जीरो पे ओपन है, और x square माइनस वन जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होगा, समझ गए। ये एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स हमें दिया हुआ है x प्लस वन जब x लेस देन टू होगा और x square माइनस वन जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होगा। एफ एक्स ये दिया हुआ है, जी एक्स ये दिया हुआ है, तो मैं एफ ऑफ जी एक्स बनाना है। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो मैं एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दोनों बनाने हैं, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दोनों बनाने हैं, ठीक है। ये होमवर्क में करोगे तुम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसका आंसर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा और तुम चेक करोगे, तो अगर नहीं होगा तो तुम में सही किसी, और मुझे सॉल्यूशन सेंड करोगे, सभी बच्चे सॉल्यूशन सेंड करोगे इस क्वेश्चन का, मैकेनिकल तरीके से भी ग्राफिकल तरीके से भी दोनों, एफ ऑफ जी जी ऑफ एक्स। समझ आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें दिया हुआ है टेन एक्स, ठीक है। जी एक्स हमें दिया हुआ, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स टेन एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर, एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर, तो मैं एफ ऑफ जी एक्स बताना है। क्वेश्चन सुनो, एफ एक्स दिया हुआ है टेन एक्स, जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है इतना, और एफ ऑफ जी एक्स बताना है। फटाफट से अपनी कॉपी में करो, एक मिनट का टाइम है। चलो देखो, जी ऑफ एफ एक्स की बात करें, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर, एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर, जो कि क्या होगा मेरे पास टेन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर होगा या नहीं, क्योंकि एफ एक्स क्या था टेन एक्स, तो ये क्या बनेगा टेन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर। सार्थक ने सही आंसर दिया, तो टेन ऑफ ए माइनस बी क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी कह सकते हो, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मुला भी तुम्हें पता है टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन। अब टेन एक्स क्या था, एफ एक्स था, तो क्या लिख दूंगा एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स प्लस वन, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स हमारे पास इसके बराबर आया, आया या नहीं, जी ऑफ एफ एक्स हमारे पास इसके बराबर आया, तो जी एक्स हमारे पास किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, जी ऑफ एफ एक्स यहाँ इनपुट में है तो यहाँ पे क्या आ रहा है एफ एक्स, यहाँ एक्स हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स, तो आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये जी एक्स हो गया। एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन ही था कितना टेन एक्स, मुझसे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एफ ऑफ जी एक्स, तो मैं क्या करूंगा एफ के इनपुट में जी दे दूंगा, तो टेन ऑफ जी एक्स बन जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा टेन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, आंसर आ गया खत्म। लेकिन बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया इसका, मुझे चार या पांच बच्चों ने सही आंसर दिया सिर्फ, पॉइंट क्लियर हो गया। एफ एक्स दिया हुआ था, जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ था, कंक्लूड करा वहां से जी एक्स, उसके बाद एफ ऑफ जी एक्स बता दिया, सही। चलते हैं आगे, एफ ऑफ जी एक्स की प्रैक्टिस करोगे बुकलेट से भी और जो मैंने क्वेश्चन दिया वो भी, हर तरीके से करके देखोगे, ग्राफिकल भी दूसरे भी, हालांकि तुम्हारी मर्जी है कन्वीनियंट जिसमें भी हो, अगर दूसरे से ज्यादा सही लग रहा है मैकेनिकल तरीके से तो उससे कर सकते हो,
अगर ग्राफिकल ज्यादा सही लग रहा है तो ग्राफिकल से कर सकते हो, उसमें तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है किससे करो किससे नहीं करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। क्या टॉपिक है नेक्स्ट? इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब सुनो जरा इनवर्स होता क्या। अच्छा हम सीबीएसई पढ़ चुके हैं तो हमें इनवर्स तो पता है क्या होता है। याद है तुम्हें इनवर्स क्या होता था? अगर एफ डिफाइंड है ए टू बी तो कोई जी फंक्शन डिफाइंड होगा बी टू ए, तो जी फंक्शन डिफाइंड होगा बी टू ए सच दैट हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आएगा। पढ़ा था हमने ये, लेकिन वो एक्स वेरी करेगा। अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जी एक्स तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए एक्स आएगा, एक्स कौन सा होगा? सेट बी वाला। सेट बी वाला क्यों कह रहा हूं? मतलब आइडेंटिटी फंक्शन होगा सेट बी में। क्यों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बी हमारे पास इनपुट किसके लिए है? जी के लिए, और यहाँ पे इनपुट किसको मिलना है? जी को। और ऐसे ही जब मैं जी ऑफ एफ एक्स कहूंगा तो जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स आएगा, उसको आइडेंटिटी फंक्शन इन ए कहूंगा, क्योंकि एफ के इनपुट में जो एक्स आएगा वो कहां से आएगा? ए से आएगा। तो उस टाइम लिखा था आइडेंटिटी इन ए भी, याद हो तो सीबीएसई वाला जब पढ़ रहे थे। हालांकि काम क्या आता है? एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उस टाइम, याद है? इनवर्स के लिए क्या लिखा था? फंक्शन इज नेसेसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास? फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, याद आया? बायजेक्टिव होना चाहिए था। ये भी कंडीशन हमने उस टाइम देखी थी जब सीबीएसई के लिए पढ़ रहे थे कि बायजेक्टिव क्यों होना चाहिए। हमने एक बार केस लिया था जिसमें वन वन नहीं था तो गड़बड़ हो गई थी, फंक्शन ही नहीं बना था जो रिवर्स वाला इनवर्स वाला था। ऐसे ही ऑन टू के लिए भी देखा था। तो वहां से हमने कंक्लूड करा था कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, और दोनों होता है तो उसे बोलते क्या है? बायजेक्टिव। तो बायजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सही कह रहा हूं? ठीक है। तो इसके इसके बेसिस पे हम क्या कहते थे? एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, और इसको रिप्रेजेंट करते थे कैसे? जी एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। ये इनवर्स का क्या होता था? सिंबल होता था। इसको वन बाय एफ एक्स मत लिख देना कि एफ एक्स की पावर माइनस वन वन बाय एफ एक्स लिख दिया, ये गड़बड़ हो जाएगी। कौन समझ आ गया? तो अब हम चलते हैं आगे। अब कुछ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तुम्हें, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान से देखना, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वही आएंगी सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। बीच बीच में प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं तुमसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तुम्हें फटाफट से रिप्लाई करना है जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है? सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ अ बायजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बायजेक्टिव। सोचो, सही कह रहा हूं? इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा बायजेक्टिव फंक्शन का, जब ए टू बी फंक्शन बायजेक्टिव है, मतलब एक को एक, एक एक्स को एक वाई मिल रहा है, तो जब मैं रिवर्स में डिफाइन करूंगा तब भी तो एक एक्स को एक वाई मिल रहा होगा क्योंकि वन 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 टू दोनों है, तो इनवर्स बायजेक्टिव फंक्शन का यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब एक फंक्शन के लिए एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसे नहीं है एक फंक्शन के दो दो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दूसरा वो भी बायजेक्टिव होगा। बायजेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि रिवर्स ही फंक्शन है। एक्स के लिए जब एक एक वाई मिल रहा था, हर वाई के लिए भी एक एक एक्स मिलेगा वन वन ऑन टू की वजह से। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी में यही कहा है कि एफ ऑफ जी जब निकालेंगे तो हमें आइडेंटिटी, अगर मैं कह रहा हूं एफ लेके चलना, एफ डिफाइंड कह रहा हूं ए से लेके बी, और जी फंक्शन डिफाइंड कह रहा हूं बी से लेके ए, क्योंकि वापसी रिवर्स होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स मुझे बता सकते हो आइडेंटिटी ए पे आएगी या फिर आइडेंटिटी बी पे? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? y इक्वल टू एक्स वाले फंक्शन, ये आएगी आइडेंटिटी बी पे। ऐसे ही जी ऑफ एफ किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी सेट ए पे। ए और बी कैसे ले रहा हूं ये उस टाइम बताया था, अगर यहां सही है। और इन जनरल हम क्या कहते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स जब मैं सॉल्व करूंगा या जी ऑफ एफ एक्स जब मैं सॉल्व करूंगा
तो किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। ये भी सेम प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी लिखी थी, एफ ऑफ जी का इनवर्स किसके बराबर, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, याद है रिवर्सल लॉ। ये प्रॉपर्टी भी हमने सीबीएसई में लिखी थी, उस टाइम पेज नंबर भी बताया था जिसपे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, लेकिन हम याद रखेंगे रिवर्सल लॉ फॉलो होता है। और ये रिवर्सल लॉ वैसा ही है जैसे ट्रांसपोज या फिर मैट्रिसेस टाइप में सॉल्व वो होता था, रिवर्स हो जाता है, जी इधर आ जाएगा एफ इधर आ जाएगा, सही है। ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हो, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर, बोलो प्रॉपर्टी याद होगी तुम्हें, फटाफट से बताओ क्या कह सकते हो इसके बारे में। बिल्कुल सही लिखा, कॉन्टिन्यूस नहीं है आयुष, आंसर गलत है। ग्राफ ऑफ एफ एन एंड जी एक्स आर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x, इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ इमेज होगा y इक्वल टू x के अबाउट। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस या नो में आंसर देना, कि इनवर्स जो है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए डिफाइंड होगा, ट्रू या फॉल्स, इनवर्स इज डिफाइंड फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ट्रू या फॉल्स। बाजी ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, हैरी पॉटर ने आंसर दिया बहुत गलत, आयुष ने गलत भी, आयुष ने भी आंसर दिया गलत, हैरी पॉटर बेटा झाड़ू लेके उड़ जा, गलत आंसर देने है तो। गगनदीप ने गलत, आशिमा ने भी गलत, पीयूषा ने सही, मनिंदर ने सही, कृष्ण ने सही, मुस्कान ने सही, म्यूजिक वाले बंदे ने सही, मेंटल एबिलिटी ने गलत, और जो लोग इसका भी गलत आंसर दे रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, अभी पिछली प्रॉपर्टी बताते हुए मैंने खुद ही बोल दिया था कि एक बच्चे ने कॉन्टिन्यूस आंसर लिखा है वो गलत लिखा है। ग्राफ किसी के लिए भी मतलब फंक्शन होना चाहिए 1 1 2, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन क्या है 1 1 2, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टिन्यूस हो या फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ क्या होना चाहिए बायजेक्टिव, बस इतनी कंडीशन है, बायजेक्टिव होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हमेशा, अब वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशियबल है या नहीं है, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है वो है बायजेक्टिव, अगर बायजेक्टिव नहीं हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसके अलावा हर सर्कमस्टेंसेस में इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट समझ आ गया, चाहे वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कॉन्टिन्यूस हो ना हो डिफरेंशियबल हो नॉन डिफरेंशियबल हो किसी भी कैटेगरी का हो इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बस क्या कंडीशन होनी चाहिए बायजेक्टिव होनी चाहिए, सही है। तो पिछली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स मतलब एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मैं तुमसे अगली प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना पूछ रहा हूँ तो आंसर देना सोच समझ के जल्दबाजी में नहीं। मैं ये कह रहा हूं एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे मीट करेगा। देखो पहली स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ऑलवेज मीट ऑन y is equal to x line. दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा हूं ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड y is equal to x only meet on y is equal to x. तीसरी स्टेटमेंट ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स x if they meet comma they meet on y is equal to x, अगर मीट करेंगे तो y is equal to x पर मीट करेंगे। फोर्थ
चलो पहले इन तीन पे आगे फिर और लिखूंगा, पहले इन तीन पे बताओ ट्रू फॉल्स बताना है तुम्हें, ऐसे लिख देना टी टी एफ एफ टी टी एफ 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 जो भी लग रहा हो अपने आंसर में, सोच समझ के ध्यान से एफ एफ टी एफ टी टी एफ एफ टी एफ एफ टी एफ एफ टी, बहुत सारे बच्चों ने एफ एफ टी एफ एफ टी, बहुत सारे बच्चों ने एफ एफ टी, सभी एफ एफ टी। चलो सबने एफ एफ टी, फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहे होगा सब, रुक जाओ बस, इतने एफ एफ टी सबने लिख दिया तो मेरे को ही मानना पड़ेगा एफ एफ टी है। अब मैं स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ता हूँ, ठीक है। ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ऑलवेज मीट ऑन वाई इक्वल टू एक्स, तुमने कहा इसको f, ऐसा कहना चाह रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल सही, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ऑलवेज मीट ऑन y इक्वल टू एक्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ एक्स, देखो ये y इक्वल टू एक्स है या नहीं, मैंने कहा एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ये अगर एफ एक्स का ग्राफ था तो ये एफ इनवर्स एक्स का होगा, तो हमने लिख दिया द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ऑलवेज मीट ऑन y इक्वल टू एक्स, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो मीट ही नहीं कर रहे है तो इमेज ही, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इसका आंसर तुमने सही दिया है। पॉइंट समझ आ गया तुम्हें, ब्लर क्यों हो रहा है, एक सेकंड रुको कैमरे का फोकस करो, अब दिख रहा हुआ। हाँ तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, बिल्कुल सही कहा सबने कि भाई ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑलवेज मीट ऑन वाई इक्वल टू एक्स, ये लाइन तो गलत है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो मीट ही ना कर रहे, तो ये हो गया गलत। दूसरा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ओनली मीट ऑन वाई इक्वल टू एक्स, इसको तुमने बोला है फॉल्स बोला था, ज्यादातर ने इसको फॉल्स बोला था, है ना। ये तुमने फॉल्स कैसे बोला है? जरा इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए होगी कि तुमने इसको कैसे फॉल्स बोला है? एक एक बंदा को ये एक्सप्लेन करो जरा, चलो इसको भी सेम एग्जांपल से जस्टिफाई कर सकते हो तुम कि भाई मीट ही नहीं कर रहे तो ओनली मीट ऑन वाई इक्वल टू एक्स कहां से आ गया, क्या पता मीट ही नहीं कर रहे, है ना, तो तुमने ये भी इसी से कंक्लूड कर दिया होगा, सही कह रहा हूं मैं, क्या पता मीट ही ना कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट कभी एक भी बार के लिए फॉल्स हो जाती है तो उसे फॉल्स बोलते हैं, जो चीज हमेशा ट्रू रहती है तो वो ट्रू, तो ये दोनों हट गई। अब आगे आ जाते हैं, उसने कहा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इफ दे मीट ऑन वाई इक्वल टू एक्स लाइन, इफ दे मीट ऑन वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ऐसा कहना चाह रहा है वो, और तुमने इसको ट्रू कहा है, हालांकि ये भी फॉल्स है। अगर वो मीट करेंगे तो y इक्वल टू x पे मीट करेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली ऐसे तो मानोगे नहीं, है ना। डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 पूछ रहा है कोई, बेटा 1 में उसने कहा है हमेशा मीट करेंगे, ऑलवेज मीट ऑन दिस, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि इस पे मीट करेंगे, कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो कि सिर्फ इस पे ही मीट करेंगे, कहीं और नहीं कर सकते। तीसरे में कह रहा है अगर मीट करेंगे तो पहले दो को तो यही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया था, मीट ही नहीं कर रहे, उसने कहा ऑलवेज मीट ऑन दिस, तो मीट ही नहीं कर रहे तो ऑलवेज कहां से आ गया, ओनली भी कहां से ही आ गया, तो पहले दो को तो यही जस्टिफाई कर रहा है। थर्ड को फॉल्स दिखाने के लिए तुम्हें ऑब्जर्व करा रहा हूं, उसने कहा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इफ दे मीट ऑन y इक्वल टू एक्स, इफ दे मीट ऑन y इक्वल टू, अगर वो मिलेंगे तो y इक्वल टू एक्स पे ही मिलेंगे, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल ऐसा दूंगा जब वो मिलेंगे तो सही लेकिन y इक्वल टू एक्स पे नहीं मिलेंगे। देखो ये बना, मैंने तुम्हें एफ एक्स लिख रहा हूं पहले, जिसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, एफ एक्स मान लो हमारे पास हो गया x प्लस फोर
एक्स प्लस फोर जब एक्स बिलोंग करता है वन से लेके टू तक, और सेवन माइनस एक्स, सेवन माइनस एक्स जब एक्स बिलोंग करता है फाइव से लेके सिक्स तक, ये एफ एक्स बनाया मैंने, अभी बनाऊंगा ग्राफ। एक्स प्लस फोर जब एक्स वन से टू तक, सेवन माइनस एक्स जब एक्स फाइव से सिक्स तक, ये उसने मतलब ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ अपने उसमें ट्राई करो एक बारी। तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ऐसे ही आगे चलूंगा थोड़ा सा तो ये थ्री फोर फाइव हो जाएगा और यहाँ सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना हमारे पास कि जब वन से टू और फाइव से सिक्स आ रहा है, ठीक है। अब वन से टू में, वन ब्लू से बनाता हूं, चलो वन से टू में y is equal to x plus 4, 1 पे कितनी वैल्यू लेता है 5, यहाँ आ जाता हूँ तो ये वैल्यू मान ली 5, ये वैल्यू मान ली 6, और 2 पे कितनी लेता है 6, तो ये लाइन आएगी, देखो ध्यान से जरा, 1 से 2 में, ध्यान से देखना, 1 से 2 में x plus 4 वाली लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी, और 5 से 6 में लाइन कौन सी है, 7 माइनस x, तो वो ये 1 ये 2 ऐसे दिखाई देगी। क्या इसमें दिक्कत, कोई ग्राफ बनाने में, सीधा स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये वाली स्ट्रेट लाइन इस वाले रीजन में, ये वाली स्ट्रेट लाइन इस वाले रीजन में, ये मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है या नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, इस ग्राफ की इमेज लेनी होगी अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, तो मैं लाइन बनाता हूं, ये हो गई वाई इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखो, इसकी इमेज इधर आएगी ऐसी, देखो इस वाली की इमेज ये रेड वाली, और इसकी इमेज आएगी ऐसी, इस ब्लू लाइन, ब्लू लाइन किसका है, ब्लू लाइन वाला ग्राफ किसका है, एफ एक्स का, और रेड लाइन वाला किसका है, एफ इनवर्स एक्स का। एक एग्जांपल लिया ऐसे ही रैंडम, तो ध्यान से देखोगे अगर इस ग्राफ को तो तुम्हें दिखाई देगा इस वाले ब्लू की इमेज ये वाला रेड है, इस वाले ब्लू की इमेज ये वाला रेड है, तो ब्लू वाले ग्राफ की इमेज वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रेड वाला ग्राफ है। इसका मतलब अगर ब्लू वाला एफ एक्स है तो रेड वाला F inverse X है। अब जरा ध्यान से देखो, Fx और F inverse X क्या y equal to x line पे meet कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन भार कर रहे हैं। उसने क्या लिखा था यहाँ पे? If graph of Fx and F inverse X, if they meet on y equal to x। देखो ये तो गलत हो गया, अब meet भी कर रहे हैं और भार भी meet कर रहे हैं, समझ गए? अब meet भी कर रहे हैं तो भार भी कर रहे हैं, ये कौन सा है हमारे पास, discontinuous function का केस है। पॉइंट समझ आया? तो थोड़ा आप ध्यान से देखना। अब ये तो चीजें हो गई जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने सारे एग्जांपल इसीलिए लिखे हैं अलग अलग, क्योंकि ये जनरली तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है सिंगल, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट में, और काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं जल्दबाजी में। फिर से मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, मैं आज भी दे रहा हूँ। ऐसी चीजें बहुत ध्यान से सुना करो, बहुत अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया करो कि कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये वो सिली मिस्टेक्स है जो तुम्हें पेपर में करते हुए पता नहीं चलती, फटाफट कह दो हाँ पेपर बहुत अच्छा हुआ, पेपर बहुत बढ़िया हुआ, अगले दिन जब आंसर की आएगी मेंस की एडवांस की, तब तुम्हें देख के लग, अरे ये सिली मिस्टेक हो गई, अरे गड़बड़ हो गई। हर साल होता है बच्चों के साथ ही, ऐसा नहीं है, हर साल मैं चिल्ला चिल्ला के ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ और हर साल ऐसी गलती कराते हैं। दिमाग में ध्यान से बिठाना, तभी मैं सारे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये तो वो चीजें हो गई जो फॉल्स थी, जिसपे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसी चीजें लिखे मिलती हैं, इसलिए पहचान लेना है क्या सही है क्या गलत है। अब चलते हैं, सुनो, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब पेन नहीं उठाऊंगा, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन एफ एक्स ग्राफ ऑफ, then graph of fx and f inverse x will meet on y is equal to x line, true or false? True or false? अभी भी देखो तुम्हारे मिक्स रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रू कह रहे हैं, कुछ लोग फॉल्स कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट
ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू। अगर हमारे पास एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हुआ तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे मीट करेगा, बिल्कुल सही बात। डिसकॉन्टिन्यूस में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था डिसकॉन्टिन्यूस का पिछले पेज पे, याद हो तो देखो ये वाला एग्जाम्पल डिसकॉन्टिन्यूस था तो उसके बिना भी मीट कर गया, लेकिन अगर मेरे पास ये कॉन्टिन्यूस है तो मीट करेगा। दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स विल ओनली मीट ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन। सोचो जरा ध्यान से सोच के, ट्रू या फॉल्स। अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो ग्राफ सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे मीट करेगा, ये अगली स्टेटमेंट है। हो सकता है ये सिमिलर हो पिछले जैसे, हो सकता है अलग हो, तो अब तुम्हें सोच के बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सुमित गोयल ने सही आंसर दिया, पाजी ने सही आंसर दिया अभी तक, बाकी किसी ने सही आंसर दिया नहीं है। गगनदीप ने सही आंसर दिया, मनिंदर ने सही आंसर दिया, उमंग ने सही आंसर दिया, सुजल ने सही आंसर दिया। चल अब मैं आंसर बता रहा हूं। तो इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स विल ओनली मीट ऑन वाई इक्वल टू एक्स लाइन इज फॉल्स। हाँ, y is equal to x line पे मीट करेगा ये पक्का है, लेकिन सिर्फ वहां मीट करेगा ऐसा नहीं है, कहीं और भी कर सकता है, सिर्फ वहां मीट करेगा ऐसा नहीं है। मान लो मैंने तुम्हें कहा fx is, example दे रहा हूं, fx is minus x plus 1, ये fx है minus x plus 1, क्या तुम इसका इनवर्स बता सकते हो मुझे निकाल के? ये मैंने तुम्हें fx दे दिया, तुम्हें इसका इनवर्स बताना है, बता सकते हो? इनवर्स निकालना सीखा था हमने सीबीएसई में, एक्स और वाई इंटरचेंज कर दो और फिर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लो या एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ध्यान से देखो अगर इसका इनवर्स निकाल सकते हो तो, नहीं तो इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ की इमेज ले लो वाई एक्सेस के, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। मनकीरत ने सही आंसर दिया, देखो ये क्या है y is equal to minus x plus 1, इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा x और y को इंटरचेंज, तो क्या आ जाएगा x equals to minus y plus 1, तो y equals to minus x plus 1, तो ये हमारे पास आया f inverse x is minus x plus 1, जो कि fx वाला ही फंक्शन आ गया, सेम है ना दोनों, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इन्वर्टेबल, खुद ही खुद का इनवर्स है। देखो कैसे, ये लाइन ऐसे थी, ये वन ये वन, ये कौन सी लाइन है मेरे पास y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन की है या नहीं। अब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनाई, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, अब इस लाइन की इमेज ली y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो यही लाइन नहीं आ जाएगी वापसी? बोलो, इसी लाइन की इमेज इस लाइन के अबाउट ली तो यही लाइन खुद आ गई, इसका मतलब फंक्शन भी वही है, उसका इनवर्स भी वही है। अब फंक्शन और इनवर्स कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, fx and f inverse x are meeting on infinite points, इस केस में क्योंकि सेम है, यहां देखो मीट कर रहे हैं, यहां देखो कोइंसाइड ही कर रहे हैं ना एक तरीके से, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर मैं ये कहूंगा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ वाई इज इक्वल टू एक्स पे मीट करेगा, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ यहीं पे मीट करेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सिर्फ यहां मीट कर रहा है, यहां भी 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 मीट कर रहा है, बहुत सारी जगह भी मीट कर रहा है। तो हाँ, पिछली स्टेटमेंट में क्या कहा था, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स और एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स पे मीट करेगा, ट्रू, देखो कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ वहां पे करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ, वाई इज इक्वल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वाई इज इक्वल टू एक्स पे करेगा, ये पक्का है,
लेकिन सिर्फ वहां करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अलावा कहीं और भी कर सकता है जैसे इस एग्जाम्पल में कर रहा है। मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए जितने एग्जाम्पल मैंने दे दिए। अभी भी किसी को पूरी पिक्चर नहीं क्लियर हुई तो वीडियो देखना और फिर मुझे व्हाट्सएप कर लेना कोई समस्या हो तो। कुछ लोगों ने लिखा है कि फर्स्ट फॉल्स होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में उसने कहा वाई इक्वल टू एक्स पे मीट करेगा, वाई इक्वल टू एक्स पे तो मीट कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कहीं और भी कर सकता है, इसलिए ओनली नहीं लिख सकते। अब पॉइंट समझ आ गई, ठीक है। अब सुनो, लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान दो जरा। हमने लिखा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इफ दे मीट भी आएगा, है ना। इफ दे मीट, अगर वो मीट ही नहीं कर रहे तो फॉल्स हो जाएगा, क्या कहते हो? अगर वो मीट ही नहीं कर रहे, जैसे हमने पिछला केस लिया था यहाँ पे, ये तो वही वाली लाइन हो गई ना, ये वाली, अगर वो मीट ही नहीं कर रहे तो अलग है। अब हम बात करें कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर मीट कर रहे हैं तो y इक्वल टू x पे करेंगे ट्रू, अगर मीट ही नहीं कर रहे तो फॉल्स, अगर सिर्फ अगर ऐसे लिखा हुआ है ओनली तो फॉल्स। सारे केस क्लियर हो गए। और डिसकॉन्टिन्यूस है तो डिसकॉन्टिन्यूस का केस अभी हमने बनाया था ये वाला, वो भी हो गया, सारे केस कवर हो गए। एक बार रिकैप लेते हैं इसका पूरे का, क्या था हमारे पास? तो पहले लेते हैं कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हुआ, ठीक है, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हुआ तो या तो मीट ही नहीं करेगा, तो या तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ मीट ही नहीं करेगा, या फिर मीट करा तो बोलो क्या, अगर मीट कर रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स पे करेगा एंड बाकी भी कर सकता है, सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स पे करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी एग्जांपल लिया था हमने, अगर कॉन्टिन्यूस है तो सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स पे करेगा, सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स पे करेगा ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी कर सकता है। अभी एग्जांपल लिया था सेल्फ इनवर्टिबल में। अगर फंक्शन होगा डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस हुआ तो मे और मे नॉट बी मीट कर भी सकता है y इज इक्वल टू एक्स पे और नहीं भी कर सकता, इसका भी एग्जांपल हमने लिया था जब मीट नहीं कर रहा था। सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जानी चाहिए इतने सारे एग्जांपल्स के बाद। एक बार फिर से वीडियो देखना, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो व्हाट्सएप कर लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते, अब दो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक में वो कहेगा कि इनवर्स बता दो कैसे निकालोगे, या चेक कर दो इन्वर्टेबल है या नहीं। इन्वर्टेबल चेक करना होगा तो कैसे चेक करोगे? इन्वर्टेबल चेक करने के लिए वन वन देखोगे और ऑन टू देखोगे। वन वन देखने के लिए डेरिवेटिव या फिर ग्राफ या फिर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इस वाले तीनों में से कोई भी तरीका फॉलो। ऑन टू के लिए रेंज निकालनी है, रेंज किसके बराबर आनी चाहिए? कोडोमेन के, तो पता चल जाएगा वन वन है या फिर नहीं है, ठीक है, इन्वर्टेबल है या फिर नहीं, ठीक है। और इनवर्स निकालने के लिए x और y को इंटरचेंज करते थे, x इन टर्म्स ऑफ y लिख देते थे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सुनो क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स दिया हुआ है 3x-2 और जी ऑफ एफ इनवर्स दिया हुआ है x-2, तुम्हें जी एक्स बताना है। ये पहला क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स बताना है। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें एक्स फॉर एक्स लेस देन वन, एक्स स्क्वायर जब एक्स 1 से 4 हो, 8√x एक्स ग्रेटर देन 4 हो। ये दोनों क्वेश्चन फटाफट से करो, 3 या 4 मिनट का एटमैक्स टाइम मिलेगा आपको। इसमें इनवर्स बताना है, इसमें जी एक्स बताना है, सेकंड क्वेश्चन में एफ इनवर्स एक्स बताना है, और पहले क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज अगर मैं कहूं
डोमेन ऑफ एफ इज रेंज ऑफ एफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ट्रू या फॉल्स बोलो, ये पहले ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में, डोमेन ऑफ एफ इज रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ट्रू या फॉल्स? हैरी पॉटर झाड़ू लेके उड़ जाओ, फिर से गलत आंसर दे रहा है। पाजी पाजी फॉल्स क्यों कह रहे हो? अर्नब भी फॉल्स कह रहे हैं, मेरे हिसाब से ट्रू होना चाहिए। फॉल्स वाले लोग एक्सप्लेन करो अपनी वर्डिंग्स को, क्यों कह रहे हो? पाजी कह रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स, पाजी साइन एक्स 1 1 1 2 भी होता है आपके डिक्शनरी में, 1 1 1 2 होता है पाजी? पाजी रिप्लाई नहीं दे रहे हम। जो लोग फॉल्स कह रहे हैं वो लिखो चैट बॉक्स में, बाकी लोग ये क्वेश्चन करते रहो, बाकी लोग ये क्वेश्चन करते रहो, जो लोग फॉल्स कह रहे थे उनसे बात करके आता हूं मैं। चलो पाजी का तो आ गया, गॉट इट। छोटे के रामू, रामू कह रहा है छोटे से हिस्से के लिए साइन एक्स के, रामू ट्रू का था या फॉल्स का था पहले ये बता। वाह रामू ने आंसर दिया, सुनो रामू का आंसर सुनो, ट्रू फॉल्स ये लिखा है रामू ने अपने आंसर में। रामू ऐसे लिखता है इसको, देख देखो रामू ने ये लिखा है अपने आंसर में, देख रहे हो चतुराई रामू की। रामू ऐसे लिखा कर, ये देख मैं तुझे नया तरीका बताता हूं, ये ऐसे लिखा कर, ऐसे लिख दिया कर, इससे जिसके दिमाग में ट्रू होगा वो ट्रू पढ़ लेगा, जिसके दिमाग में फॉल्स होगा वो फॉल्स पढ़ लेगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करने का। ये तो कोई भी समझ जाएगा तो हेरा फेरी कर रख, ये लिख दिया टी एफ। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, सॉल्व कर लिया होगा कुछ कुछ लोगों ने तो, x प्लस 8/3 ये आंसर आ रहा है जी एक्स का, x प्लस 8/3 x प्लस 8/3 ये आंसर है जी एक्स का। देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको, तुम लोग ध्यान से देखना, होल्ड कर लेते हैं पेज को ताकि कोई दिक्कत हो ना अपने को इसके क्वेश्चन देखने में। ये अच्छा है वैसे, बोर्ड से ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे फोल्ड करा, देखो बोर्ड ऐसे फोल्ड हो पाता है कहीं, ऐसे फोल्ड करा आराम से ऊपर नीचे लिख लिया अपना। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x-2 और जी एक्स, वो देखो गगनदीप रिप्लाई कर रहा है बोर्ड बड़ा भी होता है, मैंने तो देखा ही नहीं है, मैं तो इस धरती पे नया नया आया हूँ। एक्स माइनस टू एफ एक्स दिया हुआ है 3x-2, जी ऑफ एफ का इनवर्स दिया हुआ है x-2, तुम्हें जी एक्स बताना था, ये क्वेश्चन था, है ना। अब सुनो अगर तुम्हें एफ एक्स पता है तो तुम एफ इनवर्स एक्स तो निकाल ही सकते होगे, एफ इनवर्स एक्स निकाल सकते हो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू 3x-2, तो एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं, तो आया एक्स इक्वल्स टू 3y-2 आया या नहीं, फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस 2/3 इक्वल्स टू y और यही मेरे पास क्या होगा f इनवर्स x होगा, तो साक्षी का आंसर भी सही, f इनवर्स x हमारे पास किसके बराबर आ रहा है x प्लस 2/3, ये आ रहा है x प्लस 2/3, ये पता चल गया हमें, तो f इनवर्स x भी आ गया अपने पास।
अब जी ऑफ एफ इनवर्स, जी ऑफ एफ इनवर्स का मतलब क्या होता था, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू दिया हुआ, क्या कहते हो? अब ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जहां से हमने आज क्लास स्टार्ट करी थी, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स दिया हुआ है और एफ इनवर्स एक्स अपने को पता है, पता है या नहीं, एफ इनवर्स एक्स अपने को पता है, तो अब बताओ क्या कर सकते हैं। अब हमें एफ इनवर्स जी एक्स, एफ इनवर्स एक्स ये था तो इसमें एक्स की जगह जी इनवर्स लिख दूं, तो जी इनवर्स एक्स प्लस टू बाय थ्री बराबर आ गया एक्स माइनस टू के। इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह क्या लिख दिया, जी इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे चाहिए था एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा, जी इनवर्स एक्स प्लस टू बाय थ्री, जी इनवर्स एक्स प्लस टू बाय थ्री। तो यहां से मेरे पास जी इनवर्स एक्स कितना आ गया मेरे पास, थ्री इंटू एक्स माइनस टू माइनस टू, तो ये आया मेरे पास थ्री एक्स माइनस एट, ये आया जी इनवर्स एक्स। तो अब क्या करूंगा, इसका इनवर्स, क्योंकि जी इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स इज जी एक्स, मुझे तो जी एक्स निकालना था, तो मैं क्या करता हूँ, वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस एट, इसका इनवर्स निकाल लेता हूँ, इनवर्स निकालने के लिए x और y इंटरचेंज, तो x इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस एट, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, x प्लस एट बाय थ्री इक्वल्स टू y, तो यही मेरे पास क्या आ गया है, जी एक्स आ गया है। प्रोसेस क्लियर हुआ, उस प्रॉपर्टी का यूज भी हो गया और वही प्रोसेस करा है मैंने, वही प्रोसेस करा है सेम जो कि क्वेश्चन आज जहां से क्लास स्टार्ट करी थी उसमें किया था, सही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था, दूसरा क्वेश्चन दूसरा पेज, हाँ अगर कोई ग्राफ से करना चाह रहा है उसकी मर्जी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैंने एक मेथड बताया, अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन में उसने एफ एक्स दिया है हमें एक्स एक्स स्क्वायर एट रूट एक्स, कब, एक्स लेस देन वन के लिए, वन से लेके फोर के लिए, एक्स ग्रेटर देन फोर के लिए, ये हमारा क्वेश्चन था। देखो इधर उसने ये दिया है, ये और ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, x इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू x है, सीधे लिखूंगा, देखो ऑब्जर्व करके लिखूंगा सीधे एफ इनवर्स, ध्यान से लिखना, y इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू x ही रहेगा इसके लिए, तो y इज इक्वल टू x क्या होता है, खुद ही तो एक अपना इनवर्स होता है, x और y इंटरचेंज करोगे यही फंक्शन आएगा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या करना होगा, x और y इंटरचेंज, x और y इंटरचेंज करोगे, x और y को इंटरचेंज करोगे जब, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, x equals to y square, तो y किसके बराबर आया, root x के बराबर आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, root of x आ जाएगा या नहीं, ये root x समझ आ गया, क्योंकि y equal to x square function था, इसमें अगर x और y को इंटरचेंज कर दूंगा तो इनवर्स मिल जाएगा, x y को इंटरचेंज करा तो ये मिला, फिर यहां से y की वैल्यू निकाल ली, वही मेरे पास क्या होता था, इनवर्स होता था, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास root x, ये दूसरा हो गया हमारे पास। तीसरा, हालांकि जब यहाँ से y की वैल्यू देखोगे प्लस माइनस रूट एक्स आएगा, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव में डील कर रहे हैं इस ब्रांच में, इसलिए नेगेटिव पे नहीं गए हैं। तीसरा, y इक्वल्स टू एट रूट एक्स, क्या करोगे, सबसे पहले x और y को इंटरचेंज, x और y को इंटरचेंज क्यों कर रहा हूँ, इनवर्स निकालने के लिए, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू एट रूट वाई, यही आएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर बाय 64, इसका मतलब तीसरा बनेगा x स्क्वायर बाय 64, पहले तो ये तीनों यहाँ पे लिख लिए इनवर्स निकाल के। अब थोड़ा ध्यान से देखो अगर, तो इसकी रेंज, fx की रेंज f इनवर्स x की डोमेन बनेगी, सही कह रहा हूं, fx की रेंज f इनवर्स x की डोमेन बनेगी, तो देखते हैं इसकी रेंज, अगर x 1 से छोटा है तो रेंज x 1 से छोटा ही आ जाएगा, अगर x 1 से 4 है तो x square, क्योंकि इसकी रेंज देख रहे हैं, x square कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 16 तक, तो यहां 1 से 4 था, x square क्या बना, 1 से 16, तो fx की जो रेंज थी वो इसके लिए क्या बनेगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। ऐसे ही जब x 4 से बड़ा है तो ये वैल्यू 16 से बड़ी रहेगी,
तो ये मेरे पास आंसर आएगा एफ इनवर्स एक्स का। पॉइंट क्लियर हो गया। जब ऐसे इनवर्स निकालना है तो बहुत आसानी से, फिर से बता रहा हूं, ये दिया हुआ था तीनों फंक्शन, तीनों को एक एक करके y के बराबर लिया, x और y को इंटरचेंज करा, x और y को इंटरचेंज करके y की वैल्यू निकाली, ये तीनों फंक्शन आ गए, ये तीनों फंक्शन आ गए। आगे अब तुम्हें इसकी यहाँ पे इंटरवल लिखना है, इंटरवल मतलब डोमेन लिखनी है यहाँ पे। अब इंटरवल इसका इनपुट निकालने के लिए इसका क्या निकाल लो, आउटपुट, आउटपुट मतलब रेंज, तो एफ एक्स की रेंज निकाल सकते हो, रेंज निकालना तो तुम्हें आ गया। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये 1 से छोटी वैल्यू लेगा, लिख दिया। जब x की वैल्यू 1 से 4 है तो x स्क्वायर, जब x 1 से 4 जा रहा है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 16 तक, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये लिख दिया। जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो रही है तो 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 डालोगे 16 आती है, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 16 से बड़ी हो जाएगी, 16 से बड़ी वैल्यू, ये हमारे पास इसका इनवर्स, सही है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना इस क्वेश्चन में, तुम्हें कुछ कुछ दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन, अभी जनरल क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि अब अगला टॉपिक शुरू नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए एक जनरल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री बाय फोर, और गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री बाय फोर, वो तो हो गई क्योंकि रूट के अंदर लिखा हुआ है। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है तुम्हें, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है तुम्हें, अभी बताओगे होमवर्क में, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल है, तो मेरे ख्याल से होमवर्क में सही रहेगा ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, होमवर्क के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन दिया आज मैंने, सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, चलो इसको भी होमवर्क में लिखो, ये भी सबमिट करोगे आज ही, ये भी आज ही सबमिट करोगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन क्लास में देता हूं वो क्लास के जस्ट बाद सेम डे सबमिट हो जाने चाहिए, क्लास अभी खत्म होगी उसके बाद और तो कोई क्लास है नहीं तुम्हारी, तो सबमिट कर देना। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, दो तीन मिनट ही लगेंगे, आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं ये हमें पता लगाना है। आइडेंटिकल फंक्शन ध्यान रखोगे कुछ नहीं होते, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, एफ एंड जी आर सेड टू बी आइडेंटिकल, एफ एंड जी आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ, आई डबल एफ लिख रहा हूं, आई डबल एफ का मतलब क्या होता था, इफ एंड ओनली इफ, अगर कंडीशन फॉलो होगी, पहली कंडीशन डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी के बराबर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन रेंज ऑफ एफ रेंज ऑफ जी के बराबर होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन एफ एक्स और जी एक्स बराबर होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ या एफ, क्योंकि डोमेन तो बराबर ही है, तो यहां एफ लिखो या फिर डोमेन ऑफ जी लिखो, एक ही बात है, समझ आ गया। ये हमारे पास F and G are said to be identical. F domain of F equals to domain of G. Range of F equals to range of G. Fx equals to Gx for all x. मतलब हमेशा Fx और Gx की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और अगर ये तीन कंडीशन ध्यान से देखो, तो मैं ये नहीं कह सकता ये exactly overlapping graph बना रहे होंगे। Exactly देखो, domain domain के बराबर, दोनों के domain सेम। रेंज रेंज के बराबर, दोनों की रेंज सेम। एफ एक्स और जी एक्स जो वैल्यू आउटपुट में दे रहे हैं एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, वो भी हमेशा सेम। इसका मतलब मैं ये कह दूं, दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बन रहा होगा। इसका मतलब दोनों फंक्शन जब एग्जैक्टली सेम लिखे होंगे तभी वो मेरे पास आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा एफ एक्स इज साइन इनवर्स सॉरी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और जी एक्स इज वन। जरा मुझे ये बताओ एफ एक्स और जी एक्स है या नहीं, यस और नो, आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं,
बहुत बढ़िया सब। अरे म्यूजिक वाले बंदे ने गलत लिख दिया, बाकी सबने सही लिखा है। म्यूजिक वाला बंदा रिप्लाई करे मुझे कि क्यों गलत लिख दिया उसने। देखो इसकी डोमेन ऑल रियल, इसकी भी डोमेन ऑल रियल, इसकी रेंज सिंगलटन सेट वन, इसकी रेंज भी सिंगलटन सेट वन। यहां से जो आउटपुट आएगा, यहां से दोनों के ग्राफ देखो, ये भी तो वन ही लिखा हुआ है, आइडेंटिकली सेम। तो ये है, यही मैंने तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और जी एक्स दे दिया पाई बाय टू। बताओ जरा, अब एफ एक्स दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जी एक्स दे दिया पाई बाय टू। बताओ जरा, अब प्रांशुल ने गलत कर दिया। अब ये नहीं है आइडेंटिकल फंक्शन, बिल्कुल भी नहीं है आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन -1 से 1 है। इसकी डोमेन देखो, ये तो डिफाइन ही -1 से 1 के लिए, और इसकी डोमेन ऑल रियल है, ये तो ऑलवेज डिफाइंड है। इसका ग्राफ बनाओगे ऑल रियल के लिए बनेगा, इसका ग्राफ बनाओगे -1 से 1 के लिए। तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास आइडेंटिकल नहीं है। पॉइंट समझ आया? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब डोमेन सेम, रेंज सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम। अब जरा मुझे ये बताओ, एफ एक्स मैंने दे दिया 1 बाय कॉस एक्स, और जी एक्स मैंने दे दिया सीकेंट एक्स। बताओ जरा, है या नहीं है? एफ एक्स 1 बाय कॉस एक्स, जी एक्स सीकेंट एक्स। हैरी पॉटर ने गलत दिया, सूर्या ने भी आंसर गलत दिया है, चिराग ने लिखा बिल्कुल है, तो चिराग बिल्कुल गलत लिखा है बेटा। चिराग ने बड़े कॉन्फिडेंस से लिखा बिल्कुल है सर, तो मेरे रिप्लाई सुनो, बिल्कुल नहीं है बेटा, नहीं है। क्योंकि एफ एक्स की डोमेन में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाइप है। सॉरी 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 चिराग, देखो जरा ध्यान से, ये और ये है, यस आएगा। चिराग सही कह रहा था इसका मतलब। अब नो वालों को पकड़ लेते हैं, नो कह रहे थे, रुको जरा मैं ढूंढ के लाता हूँ। अर्णव ने नो कहा है, आयुष ने नो कहा है, लालू प्रसाद ने कहा है बिल्कुल नहीं है। तो चिराग लालू प्रसाद से अपना बदला ले सकता है तू चाहे तो, ठीक है। और कौन है? सुजल ने भी कहा है नहीं है, गर्वित ने भी कहा है नहीं है, रिजुल ने भी, भाई साहब सब निकम्मे। सूर्या ने भी सही कहा था इसका मतलब, और यस किसी ने कहा था? रिजुल ने यस कहा था। अब ये पता नहीं पिछले क्वेश्चन का यस था, इसका यस था, लेकिन ये आइडेंटिकल फंक्शंस है, दोनों सेम है बिल्कुल। ये भी हैरी पॉटर ने भी सही कहा था, बिल्कुल सही, झाड़ू लेके वापसी आ जा। चलो अब अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स मेरे पास कॉस एक्स है, और जी एक्स मेरे पास 1 बाय सीकेंट एक्स है। दूसरे पेज पे लिखूं या समझ जाओगे? यहां लिख देता हूं, देखो एफ एक्स मेरे पास कॉस एक्स है, और जी एक्स मेरे पास 1 बाय सीकेंट एक्स है। अब बताओ, अब बताओ, यस सर नो? गगनदीप ने गलत दे दिया आंसर, हैरी पॉटर ने भी गलत दे दिया इस बारी, गोविंद जी ने भी गलत दिया है, बाकी सब ने सही दिया है अभी तक जितने आंसर आए हैं। ये हमारे पास नहीं है आइडेंटिकल फंक्शन, ये हमारे पास आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, क्योंकि जी एक्स की डोमेन में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जी एक्स को डिफाइन करना होगा 1 को, और सीकेंट को, सीकेंट को डिफाइन करने के लिए पाई बाय टू वाले पॉइंट्स आ ही नहीं पाएंगे, पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू ये वाले, लेकिन इसमें तो आ जाएंगे, कॉस को थोड़ी ना कोई दिक्कत होती है। तो एफ एक्स की डोमेन क्या है इसमें? ऑल रियल है। एफ एक्स की डोमेन क्या है? ऑल रियल। और जी एक्स की क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स। तो दोनों की डोमेन अलग अलग हो गई। मेरे ख्याल से थोड़ा आइडिया लग गया होगा आइडेंटिकल है या नहीं है, समझ गए? चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रोक रहे हैं। अब सुनो, जो
क्वेश्चन दिए हैं अभी, वो अभी के अभी करके भेजोगे, जो क्वेश्चन दिए हैं क्लास खत्म होते ही जस्ट अभी करके भेजोगे, समझ गए? तो गंदीप क्या कह रहा है, जल्दी से लिख। पिछला भी बता दो, पिछला मतलब ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, अच्छा या फिर ये वाला सुनो, एफ एक्स वन बाय कॉस एक्स दिया था, जी एक्स वन बाय कॉस एक्स में कॉस एक्स जीरो नहीं हो सकता, और सीकेंट एक्स को डिफाइन करने के लिए भी कॉस एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो दोनों की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, ऑल रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, वो एफ एक्स की भी यही डोमेन आएगी और जी एक्स की भी यही डोमेन आएगी, सेम। लेकिन इसमें इसने एफ एक्स ने धोखा दे दिया, एफ एक्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल, और जी एक्स की ऑल रियल एक्सेप्ट दिस, ये फर्क है दोनों में, एक बार खुद से सोच के देखना, फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? हाँ मुस्कान कह रही है बुकलेट के क्वेश्चन मार्क करा दो, एक मिनट आगे भी पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है मुस्कान ने, बुकलेट के क्वेश्चन मार्क करा दो रिलेटेड टू टॉपिक जो अभी तक हुए हैं, तो मैं मुस्कान को रिप्लाई दे देता हूँ। मुस्कान जितने टॉपिक अभी तक हुए हैं उससे 90% ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे बुकलेट के, तो मैं तुम्हें वो बता देता हूँ जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अभी। अभी फंक्शनल इक्वेशन इसके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई ऐसा लिखा मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू वाई, सॉरी अब तुम्हें दिखा नहीं होगा अभी तक, अब देखो उस टाइम कैमरा हट गया था। फंक्शनल इक्वेशन के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें लिखा मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू दिस प्लस एक्स वाई, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10% क्वेश्चन होंगे पूरी बुकलेट में, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो पूरी बुकलेट धड़ाधड़ इस संडे तक कंप्लीट कर देना, देखो बहुत टाइम दे दिया मैंने, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 1 2 3 4 5 दिन दे दिया मैंने, तो इन 5 दिन में ये डिस्कस करना, प्लस सैटरडे को डाउट क्लास होगी, तो सैटरडे को मेन्स ऑब्जेक्टिव और एडवांस ऑब्जेक्टिव इतना पहले कंप्लीट कर लेना, इस सैटरडे को मेंस ऑब्जेक्टिव और एडवांस ऑब्जेक्टिव इन दोनों की डाउट क्लास होगी, समझ गए? मेंस ऑब्जेक्टिव एडवांस ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुन लो, फंक्शन चैप्टर मेंस ऑब्जेक्टिव एडवांस ऑब्जेक्टिव, ठीक है?